फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज। आरजेडी ने अपने विधायकों को तेजस्वी यादव की आवास पर रोका। विधायकों के कपड़े और सामान भी मंगाए गए। शनिवार को तेजस्वी यादव के घर पर 3 घंटे तक चली आरजेडी की बैठक। फ्लोर टेस्ट की रणनीति पर चर्चा की गई। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, विधायकों ने 48 घंटे एक साथ रहने की इच्छा जाहिर की है, भाईचारा भी कोई चीज है। फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम नीतीश कुमार ने आज बुलाई विधानमंडल दल की बैठक। सभी विधायक और विधान परिषद के लोग रहेंगे मौजूद। मंत्री विजय चौधरी के घर पर होगी मीटिंग। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश। विधायक श्रवण कुमार के आवास पर आयोजन। जेडीयू नेता श्रवण कुमार के आवास पर आयोजित बैठक में 5 विधायक नहीं पहुंचे हैं। सभी ने कहा कि पार्टी को पहले ही दी थी जानकारी, फ्लोर टेस्ट में रहेंगे मौजूद। जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक अनिल कुमार का बयान, हम एनडीए के साथ हैं, कोई द्वंद्व नहीं है। फ्लोर टेस्ट को लेकर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, हम अपना बहुमत साबित करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सीपीआईएमएल के 2 विधायक महबूब आलम और सत्यदेव राम ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की, दोनों ने बताया निजी मुलाकात। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का ऐलान, बिहार में हमारी सरकार बनी तो रोजगार की करेंगे व्यवस्था, 50 साल से अधिक उम्र वालों को 2000 रुपये पेंशन भी देंगे। किसानों के दिल्ली कूच से पहले हरियाणा पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट, कंक्रीट बैरिकेड के साथ बॉर्डर सील, इंटरनेट सेवा भी बंद। किसानों के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा बेहद कड़ी, केंद्रीय सुरक्षा बल की कई कंपनियां हरियाणा पहुंची। किसानों के दिल्ली मार्च से पहले हरियाणा के अंबाला में सुरक्षा कड़ी, बड़े पैमाने पर जवानों की तैनाती की गई, कई जगह लगाए गए बैरिकेड, जगह जगह है कड़ा पहरा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटाया गया, अब सिर्फ हिंसा वाले बनफूला इलाके में ही जारी रहेगा कर्फ्यू। हल्द्वानी में 24 घंटे के लिए बढ़ाया गया है इंटरनेट बैन। हल्द्वानी हिंसा की होगी मजिस्ट्रियल जांच, सरकार ने जारी किया आदेश, जांच 15 दिन के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। बनफूलपुरा हिंसा मामले में नैनीताल पुलिस का एक्शन, 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। हल्द्वानी हिंसा पर बोले सीएम धामी, दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हल्द्वानी हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक फरार, पुलिस जगह जगह कर रही है छापेमारी। हल्द्वानी हिंसा पर बड़ा खुलासा, इंटेलिजेंस ने 4 दिन में 5 बार जताई थी हिंसा की आशंका। प्रमोद कृष्णम पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, बयानबाजी और अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया। पंजाब की सभी 13 सीटों और चंडीगढ़ में अपना उम्मीदवार उतारेगी आप, दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ऐलान। लोकसभा चुनाव पर बोले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब और चंडीगढ़ के उम्मीदवारों का ऐलान 10 से 15 दिन में होगा। आज पंजाब के खडूर साहिब में आम आदमी पार्टी की रैली, केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए करेंगे शंखनाद। लुधियाना के समराला में एक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के मैसूरू जाएंगे, श्री चामुंडेश्वरी मंदिर में करेंगे दर्शन। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे, एक रैली को करेंगे संबोधित। पूर्व सीएम पनीरसेल्वम से भी मुलाकात होगी। एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए, पूर्व कांग्रेसी नेता बाबा सिद्दीकी, कई और नेता भी पहुंचे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस चीफ वाई एस शर्मिला बोली कि सीएम जगनमोहन रेड्डी उनके भाई हैं, उनसे विचारधारा की लड़ाई है। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के झाबुआ जाएंगे, 7,500 करोड़ की देंगे सौगात, कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी। पीएम मोदी पिछड़ी जनजातियों की करीब 2 लाख महिला लाभार्थियों से आहार योजना की मंथली इंस्टॉलमेंट वितरित करेंगे। पौष्टिक खाने के लिए प्रति महीने दिए जाते हैं 1,500 रुपये। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे झाबुआ, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर झाबुआ आएंगे, कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पास, लोकसभा में बोले पीएम, राम मंदिर से देश के मूल्यों पर गर्व होगा। पीएम ने कहा कि राम मंदिर में सबका साथ सबका विश्वास का तत्व है, राम मंदिर से देश को और संवैधानिक शक्ति मिलेगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि राम मंदिर पर कुछ लोगों को बोलने का सामर्थ्य नहीं है, मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। गृहमंत्री अमित शाह का बयान, 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक है, उस दिन 500 साल के संघर्षों की जीत हुई थी। भगवान राम भारत की आत्मा है, ये सभी को समझना होगा, उनके बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती है, अमित शाह का बयान। अमित शाह की अपील, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करे सम्मान, कानून के मुताबिक बना है राम मंदिर। राम मंदिर पर चर्चा के दौरान बोले बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह, भगवान राम हमारे पूर्वज हैं। सत्यपाल सिंह बोले राम मंदिर सांप्रदायिक मुद्दा नहीं, भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं, भगवान राम सबके हैं। संसद में राम मंदिर पर चर्चा में विपक्ष में फूट, कांग्रेस सांसदों ने की शिरकत, टीएमसी ने बनाई दूरी। बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, कांग्रेस की साथी सपा सरकार में राम भक्तों पर चली गोलियां, कांग्रेस ने नहीं जताया खेद। लोकसभा में निरंजन ज्योति का बयान, पीएम मोदी ने प्रभु राम की तरह गरीब वंचितों की चिंता की। बीजेपी के आरोप पर बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, राम के रास्ते पर नहीं चल रही है मोदी सरकार। राम मंदिर पर चर्चा के दौरान बोले एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, पूछा क्या देश में सिर्फ एक मजहब की ही सरकार है। ओवैसी ने कहा कि मैं भी भगवान राम की इज्जत करता हूं, लेकिन देश में किस बात का जश्न मनाया जा रहा है।
असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, कहा कि मस्जिद थी और रहेगी। बीएसपी सांसद मुलक नागर ने कांग्रेस को दी सलाह, कहा कि राम मंदिर का विरोध करना छोड़ दे, नहीं तो उसका हाल और बुरा हो जा। संसद में पीएम के बयान पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, 2-4 मिनट उन्हें सरकार के काम पर भी बोलना चाहिए था। आज मंत्री विधायकों के साथ अयोध्या जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम योगी और बीजेपी के विधायकों के अलावा आरएलडी के विधायक भी आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे, यूपी सरकार ने दिया है आमंत्रित। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में उमड़ रहा है आस्था का सैलाब, लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। यूपी विधानसभा में बोले एसपी चीफ अखिलेश यादव, प्रभु श्री राम अमर हैं, उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि हम बीजेपी के बुलाने पर अयोध्या नहीं जाएंगे, भगवान का बुलावा आएगा तब जाएंगे। सीएम योगी ने अखिलेश को दिया जवाब, कहा कि आप अयोध्या नहीं ब्रिटेन जाते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि सपा सरकार ने ज्ञानवापी और मथुरा में मंदिर के पीछे वाले मैदान में लगा दिया था ताला, हमने दोनों जगह के ताले खुलवाए। पुणे में बोले वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, राम मंदिर बनाने का संकल्प पूरा हुआ, अब हम राम राज्य की ओर बढ़ेंगे। आलोक कुमार ने बताया वीएचपी की रणनीति, कहा कि ऊंच नीच और जातियों के भेद को खत्म करेंगे, दलित और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेंगे। यूएई के अबूधाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार, 14 फरवरी को उद्घाटन। 13-14 फरवरी को यूएई के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, अबूधाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 12 फरवरी को आयोजित होगा रोजगार मेला, पीएम मोदी 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को 1 मार्च से मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ, वित्त मंत्रालय ने दिखाई हरी झंडी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से आज भी पूछताछ करेगी ईडी की टीम, शनिवार को 8 घंटे हुई पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी का है मामला। रांची में ईडी कार्यालय से बाहर निकलने के बाद कांग्रेस सांसद धीरज साहू का बयान, बोले कि ये पूछताछ बीएमडब्ल्यू के बारे में थी, गाड़ी हेमंत सोरेन की नहीं किसी और की है। धीरज साहू ने कहा कि बीएमडब्ल्यू मेरी नहीं है, बोले ये सब झूठ है। हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा को झारखंड हाईकोर्ट से लगा झटका, जमानत याचिका खारिज। ओडिशा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली के 19 स्थानों पर ईडी की रेड, करीब 44 लाख नकद, बैंक बैलेंस, गाड़ी और संपत्ति के कागजात बरामद हुए। ईडी ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी को भेजा समन, 15 फरवरी को लखनऊ में पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी से मिले हरियाणा के सीएम खट्टर, भारत रत्न मिलने पर जताई खुशी। यूपी के बजट पर बोले एसपी चीफ अखिलेश यादव, योगी सरकार की नीति आम जनता के लिए नहीं है, बजट में 90% जनता के लिए क्या है। विधानसभा में अखिलेश यादव का योगी सरकार से सवाल, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का ग्रोथ रेट और रोडमैप क्या है। विधानसभा में बोले सीएम योगी, पिछले 7 साल में यूपी में कोई टैक्स नहीं बढ़ा, प्रति व्यक्ति आय दोगुना किया। सीएम योगी का दावा, हमने इनकम टैक्स चोरी पर भी रोक लगाई है, बिना भेदभाव के यूपी में विकास हुआ है। बंगाल के सौंदेशखाली में लोगों की गिरफ्तारी का बीजेपी ने किया विरोध, विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक किया मार्च। पश्चिम बंगाल के सौंदेशखाली में एससीआरबी के जवानों ने किया फ्लैग मार्च, डीजी सिद्धांत गुप्ता बोले कि हालात सामान्य है। पंजाब के सीएम ने घर घर मुफ्त राशन स्कीम शुरू की, दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी रहे मौजूद। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले राशन चोरी का गोरख धंधा अब बंद होगा, पहले की सरकारों की नीयत ठीक नहीं थी। पंजाब के सीएम भगवंत मान का दावा, प्रदेश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, आने वाले दिनों में पंजाब नंबर 1 स्टेट होगा। कांग्रेस और शरद पवार के गुट के नेता राज्यपाल से मिले, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जताई। यूबीटी शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे का बयान, महाराष्ट्र में है गुंडा राज, बीजेपी के गुंडों पर नहीं हो रही है कार्रवाई। देवेंद्र फडणवीस के कुत्ते वाले बयान की उद्धव ने निंदा की, कहा कि क्या प्रदेश का गृह मंत्री मानसिक रोगी है। उद्धव के बयान पर फडणवीस का पलटवार, लगता है कि उनके दिमाग पर कुछ असर हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ठीक हो। दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर की हुई शुरुआत, पहले दिन एक इंटरैक्टिव सेशन में शामिल हुए इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। पाठकों से बातचीत के दौरान बोले रजत शर्मा, वो भी लिख रहे हैं किताब, 90% काम हो चुका है पूरा। दिल्ली के द्वारका में एक घर में लगी भीषण आग, मौके पर धू कर उठी लपटें। आग लगने की घटना के बाद पूरे इलाके में मची दहशत, लोग घरों से निकलने बाहर। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, हादसे की वजह की जांच जारी। सिक्किम के गैंगटॉक में तंबोला कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा, भीड़ में ट्रक घुसने से 3 लोगों की जान गई। हादसे में करीब 20 लोग घायल हुए हैं, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। सौंदेशखाली हिंसा पर बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि यह घटना सभ्य समाज में होने वाली सबसे बुरी घटनाओं को दर्शाती है। मुंबई में गायत्री परिवार के अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां जोरों पर, खारघर में 21-25 फरवरी को होगा यह विशाल आयोजन। गायत्री परिवार के यज्ञ के लिए भोजनालय और यज्ञशाला को दिया गया अंतिम रूप, यज्ञ में 80 देशों से लाखों लोगों के आने की उम्मीद। ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड अकाउंट पर बढ़ाया ब्याज दर, अब पीएफ अकाउंट पर मिलेगा आपको 8.25% का ब्याज। विश्व कप फाइनल में भारत का पलड़ा भारी, फाइनल में लगा सकता है जीत का हैट्रिक, अब तक 2 फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी है। अंडर 19 विश्व कप का छठी बार चैंपियन बन सकता है भारत, अब तक भारत सबसे अधिक 5 बार बना है चैंपियन।
फाइनल से पहले भारत के कैप्टन उदय सारन का बयान, हमारी टीम अरबों दिलों के सपनों को लेकर चल रही है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ बाकी बचे 3 टेस्ट मैचों के लिए टीम का ऐलान किया। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की वापसी, तेज गेंदबाज आकाशदीप को मिली जगह। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर टीम से बाहर, कोहली ने निजी कारणों से नाम वापस लिया, श्रेयस अय्यर के चोट लगने की वजह से बाहर रखा गया है।